सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सबसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीने भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमो त्रियोग समारिके। आप और हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है, सुख की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है, दुख को दूर करने का उपाय और सुख को पाने का उपाय, वो तो एक ही उपाय है कि दुख को दूर करना, सुख को चाहना, सुख की प्राप्ति। तो हम वो दुख कैसे दूर करें, किस प्रकार से हम संसार अवस्था में रहते हुए भी उस संसार अवस्था से पार होने का उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि संसार अवस्था की मोक्ष अवस्था का उपाय संसार से पार होके किया जाता है, कि संसार अवस्था में रहते हुए ही उस मोक्ष प्राप्ति का उपाय किया जाता है। कि हमने देखा है महापुरुषों को, तीर्थंकरों को, केवली भगवंतों को, मुनिराजों को, कि सबने संसार अवस्था में रहते हुए ही उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय किया। किसी ने तीर्थ अवस्था में किया, किसी ने नरक अवस्था में किया, नरक गति में किया, किसी ने मनुष्य पर्याय में किया, किसी ने देव पर्याय में किया। तो जहां किया वहां किया, लेकिन किया वो जो उपाय किया वो उपाय क्या है, उस उपाय की हम यह चर्चा करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सांत्वना अष्टक के माध्यम से उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमने पहले 4 छंदों में चर्चा की, पहले इसके पाठ करेंगे हम, फिर इसके बाद आगे की चर्चा लेंगे। आप सब साथ में बोल सकते हैं। शांत चेत हो, निर्विकल्प हो, आत्मनिज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, संयम संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यतिकल्प न झूठी है। धीर वीर हो मोह भाव तज आत्मे अनुभव किया करो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, सहज सदा ही शांत रहो, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सहासी आराधन से नहीं
नीचे गए, उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो, व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्याकुल हो ना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी, हो वे भव्य अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। इन चार छंदों के माध्यम से हमने ये देखा कि वास्तव में सांत्वना रखने के लिए, समता रखने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, कि अनंत केवली भगवंतों ने केवल ज्ञान होने के बाद, पूरे लोकालोक को जानने के बाद भी लेस मात्र आकुलता नहीं की, और मुनिराजों पर इतने भयंकर भयंकर उपसर्ग होने के बाद भी उन्होंने लेस मात्र आकुलता नहीं की, अपनी धर्म आराधना से चिगे नहीं, डिगे नहीं, अपनी धर्म आराधना में अडिग रहे। तो जिस बल से वो अडिग रहे, जिस बल से उन्होंने लेस मात्र आकुलता नहीं की, वो बल हमें भी विद्यमान है। इसलिए व्याकुल होने के कोई मतलब नहीं है, व्याकुल होने से दुख दूर होने वाला भी नहीं है, इष्ट अनिष्ट वस्तु में कुछ है नहीं, ये हमारी झूठी कल्पनाएं हैं। इसलिए हम वो भाव को तज के समता भाव को धारण करें, सच्चे भक्त बने प्रभु के, उनके पथ का अनुसरण करें, और उन मुनिराजों को, महापुरुषों को, सतियों को अपना आदर्श बनाए और अपने उनमें समता भाव धारण करें। ये समता भाव ही वास्तव में सम्यक दर्शन का जनक है। यदि आप में समता भाव नहीं है, यदि आपकी कषाएं तीव्र तीव्र होती जा रही हैं, यदि आप जैसा उदय आ रहा है वैसा परिणमित होते जा रहे हो, तो जैसा उदय आ रहा है उदय अनुसार परिणमन तो इस संसार का प्रत्येक जीव कर रहा है। चारों गतियों में जितने भी जीव है, अनंतानंद जीव, वो सभी जीव उदय के अनुसार परिणमन कर ही रहे हैं, कि त्रियंश भी उदय के अनुसार परिणमन कर रहा है, निगोदिया जीव भी उदय के अनुसार परिणमन कर रहा है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, सभी जीव उदय के अनुसार परिणमन कर ही रहे हैं। तो फिर आपने नया क्या किया, कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप स्वाध्याय में आपकी रुचि है, आपने जिनेन्द्र देव की वाणी को पढ़ा है, सुना है, समझा है, ये तब कहा जाए जब आप कुछ अलग काम करो। यदि आपने कुछ अलग काम नहीं किया, जो काम बाकी सब कह रहे हैं भाई काम आपने किया, तो फिर हमने नया काम क्या किया, कि बाकी जीव भी कंदमूल खा रहे हैं, आपने कंदमूल खा लिया, बाकी जीव रात्रि भोजन कर रहे हैं, आपने रात्रि भोजन कर लिया, बाकी जीव मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करके डोर दे के आ रहे हैं, भाग भाग के, वही आपने कर लिया, तो आप में अंतर क्या है भाई। और यदि अंतर नहीं है, तो वास्तव में आपने स्वाध्याय नहीं किया, आपका वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है जो आपको कर्म की उदय के अनुसार परिणमन कराए, कर्म की उदय में आपको भयभीत करे, कर्म की उदय में आपको धर्म आराधना से डिगाए, वो स्वाध्याय वास्तव में स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो वही सार्थक है जो उदय के टाइम पर आपको भयभीत ना होने दे, आपको धर्म आराधना से डिगाए नहीं, और आपको संता भाव धारण कराए, वो स्वाध्याय है। सिर्फ पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। तो इसलिए कह रहे थे, कहा था कि ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। इसलिए प्रति समय ज्ञान ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ये निकाह शास्त्र का अभ्यास करो, कि शास्त्र के माध्यम से क्या करना वो बताया, कि अभ्यास तो ज्ञान का करना है, अभ्यास तो अपने स्वरूप का करना है, अपने स्वरूप को जानने का अभ्यास करना है, अपने अनंत गुणों को जानने का अभ्यास करना है, और वह अभ्यास किसके माध्यम से होगा, शास्त्र के माध्यम से, जिनेन्द्र देव की वाणी के माध्यम से होगा, लेकिन सिर्फ शास्त्र को पढ़ने का नाम अभ्यास नहीं है।
उस शास्त्र से माध्यम से निज को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। शास्त्र के माध्यम से जिनेन्द्र देव की वाणी के माध्यम से निज को जानने का, निज को समझने का, निज को पढ़ने का, निज में जानने का, निज में लीन होने का नाम स्वाध्याय है। अब हम क्या कह रहे हैं हमको विचार करना है कि वास्तव में स्वाध्याय कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कि कहीं हम शास्त्रों को पढ़ने मात्र में संतुष्ट नहीं है। जैसे आचार्य कुंद कुंद ने दोहा पावर में लिखा और मोक्ष प्रकाशक के पहले अधिकार में भी वो रेफरेंस पंडित वटामा जी ने लिया कि जो जीव अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, कि जो सिर्फ पढ़ के संतुष्ट हुआ बैठा है कि मैंने तो धर्म कर लिया, मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया, वो वास्तव में कण को छोड़कर तुसी में ही संतुष्ट हो रहा है, भूसी में ही संतुष्ट हो रहा है, कि अन्न को छोड़ के भूस में संतुष्ट हो रहा है। वो परमार्थ को नहीं जानता इसलिए वो मूर्ख है, ऐसा कहा वहां पर दोहा पावर में। तो कहीं हम भी तो मूर्खों की श्रेणी में नहीं है, कि हम भी तो वही मूर्खता नहीं कर रहे हैं जो मूर्खता हमने नादिका से की है कि ग्यारह ग्यारह अंगों के पाठी हो गई लेकिन हमने कल्याण नहीं कर पाई, कि पढ़ पढ़ के हमने अपना सर्वोत्तम ज्ञान बढ़ा लिया लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाए। तो वास्तव में विचार करें कि जब हम ने अनंतों बार मुनिपद धारण कर लिया, ग्यारह अंगों के पाठी हो गए, नौ गिरिवक तक होके आ गए, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि आपसे पढ़ने मात्र में संतुष्ट रहे, आपने परमार्थ नहीं जाना, आपने उस अर्थ और शब्द से अपने को नहीं जाना, अपने गुणों को नहीं जाना। तुम में तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कह रहे हो, ये तुमने भेद नहीं किया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम क्या कर्तव्य निभा रहे हो, तुमने उसका विचार नहीं किया। इसीलिए कहा कि ज्ञानाभ्यास करो मन माही दुर्विकल्प दुख रूप तजो, कि जितने भी दुर्विकल्प संसार में हो रहे हैं इन सारे दुर्विकल्पों को दुख रूप जानकर उनको तज दो। अभी हमको दुर्विकल्प दुख रूप लगते नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि ऐसा करने से हमको सुख मिल जाएगा और हम दुर्विकल्प कह रहे हैं, तो यहां तो कह रहे हैं कि दुर्विकल्प दुख का ही कारण है। और संता सोडसी हमने पढ़ा था, अरे कलुषता पाप बंदे का कारण लगकर त्याग करो, कि ये जो हमारे कलुषित परिणाम है, ये जो हमारे दुर्विकल्प है, ये पाप बंद का ही कारण है, ये दुख का ही कारण है, इसे दुख के बीजों को मत बो भाई और इनका त्याग करो, इनको तजो, दूर से ही तजो, ये अपने पास आ ही नहीं पाए। जैसे भी कोरोना वायरस की जो बीमारी है तो उसको दूर से भगाते हैं हम, कि हमको लगता है कि हमको दुखी करेगी, ये हमारा मरण करा देगी, तो हम दूर से भागते कि नहीं भागते उससे, कि कोई यदि कोरोना वायरस संक्रमित है तो उससे दूर भागना ही भागना, जो नहीं है उसमें भी संभावना हो सकती है, हमें क्या पता किसमें किसमें नहीं है। तो इस समय इसलिए कहा ना कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कि सबसे दूर रहो, दूर से तज दो उनको, दूर से रहो, दूर से नमस्ते कर दो, हैंडशेक आगे छोड़ दो, दूर से नमस्ते करो। मीन्स क्या है कि जो दुख का कारण है तो दुख के कारण को दूर से ही तज दो। वो दुख का कारण अपने पास रखने योग्य नहीं है, अपने पास लाने योग्य नहीं है, उसके साथ संपर्क करने जैसा नहीं है। इसलिए भाई इस जो अभी वर्तमान में कंडीशन चल रही है, घटना चल रही है, उससे भी हम विचार करें कि वो घटना भी हमसे यही कह रही है कि दुख के कारणों को दूर से तजना चाहिए, दुख के कारणों को अपने पास में नहीं रखना चाहिए, अपने पास में नहीं लाना चाहिए, उनसे मिलना नहीं चाहिए, उनसे दूर से रहो बस, दूर रहो बस। तो इसी प्रकार ये दुर्विकल्प भी दुख के कारण है, उस रोग के कारण है, कर्म बंधन रूपी रोग के कारण है, इसी इनको दूर से तज दो। और वही करना श्रेष्ठकर है, वही करना योग्य है, दूसरा कोई काम करने जैसा नहीं है। इस प्रकार हम ज्ञानाभ्यास करें, ज्ञानाभ्यास करो मन माही दुर्विकल्प दुख रूप तजो, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। या व्यग्र ना हो, धैर्यवान बनो, व्यग्र ना हो जाओ, क्षुब्ध ना हो जाओ, कर्म के उदय में आप डर जाओ, भयभीत हो जाओ,
कुछ उल्टा सीधा करने लगो कि धैर्यवान बनो, धैर्य रखो अपने आप में कि जिनेन देव का शासन धैर्यवान होना सिखाता है, जिनेन देव का शासन वीर होना सिखाता है, जिनेन जीव का शासन तुमको भयभीत होना नहीं सिखाता, तुमको काय होना नहीं सिखाता, तुमको धैर्य छोड़ना नहीं सिखाता, वो धैर्य रखना सिखाता है। प्रति समय जितना भी जिनागम पढ़ोगे, महापुरुषों को जानोगे, वर्तमान युग को पढ़ोगे, प्रत्येक घटना प्रत्येक बात तुमको धैर्यवान बनाती है, वीर बनाती है, भयभीत नहीं बनाती, कायर नहीं बनाती। और यदि हम भयभीत हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, कायर बन रहे हैं, तो वास्तव में हम जिनेन्द्र देव के अनुयायी नहीं है, हमें जिनेन्द्र देव का शासन प्राप्त नहीं हुआ वास्तव में, यदि हम भयभीत हैं, धैर्यवान नहीं है। तो इसलिए धैर्यवान रहो, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो। अगला छंद पढ़ते हैं। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं, हो विमूर पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं। कि वास्तव में विचार करें कि अपना कहां पर है, कि अपना सब कुछ अपने में है, बाहर में झूठे पुरुषार्थ। कि अपना सब कुछ अपने में ही है, बाहर में कुछ है ही नहीं। जितने भी काम तुम करना चाह रहे हो, वो काम तुम्हें पर्दे पर नहीं कराएगा, वो काम तुम स्वयं कर सकते हो, ऐसी तुम्हें सामर्थ है। कि प्रत्येक कार्य के, अपना जो कार्य है तुम्हारा, उस कार्य के कर्ता भी तुम हो, कर्म भी तुम हो, करण भी तुम हो, छह कारक तुम हो, उपादान भी तुम हो, सब कुछ तुम हो, व्यापक शक्ति तुम में है, हर शक्ति तुम में है, अकार्य कारण शक्ति तुम में है। अकार्य कारण शक्ति क्या कहती है, कि तुम दूसरे का कार्य नहीं कर सकते, तुम दूसरे के कार्य में कारण नहीं बन सकते, तुम सिर्फ अपना कार्य कर सकते हो, अपने ही कार्य के कारण बन सकते हो, सब कुछ तुम में ही है, बाहर में है ही क्या। अपने में सर्वस्व है अपना, और यदि अपने में सर्वस्व अपना है, यदि ये देखना है, तो केवल भगवंतों को देखो, अनंत सिद्ध परमेष्टियों को देखो, कि वो सर्वस्व को धारण किए हुए हैं, उनके पास कौन सा परद्रव्य का सहारा है, कौन से परद्रव्य का उन्होंने सहारा लिया हुआ है, कौन सा परद्रव्य उनके पास में है, लेकिन फिर भी उनका सब कुछ उनके पास में है, जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास में है। अनंत सुख उनके पास में है, अनंत ज्ञान उनके पास में है, अनंत दर्शन उनके पास में है, अनंत सामर्थ उनके पास में है, उनके पास क्या नहीं है, अव्यव्याज उनके पास में है, प्रत्येक चीज जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास में है। तो हमारे पास जो चीज नहीं है वो चीज उनके पास में है, जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें उनके पास में है, तो किसके बल पे है, कौन से परद्रव्य के बल पे, कौन से परद्रव्य उनको सुखी कर रहा है, कौन सा परद्रव्य उनको ज्ञान करा रहा है, कौन सा परद्रव्य उनको अनंत सामर्थ्य उत्पन्न कर रहा है। कि अपने में सर्वस्व है अपना, कि सब कुछ अपने में है, और अपना तो अपने पास है ही, सिद्ध भगवान शिव भगवंतों के पास भी अपना अपना है, जब उनके पास भी अपना है सब कुछ, तो फिर वो भी अपना सब कुछ अपने पास में है, यदि तो फिर वो भी अपने में संतुष्ट है, अपने में खुश है, सुखी है, आनंद सामर्थ्यवान है, आनंद ज्ञान के धारी है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेश नहीं। कि सुख भी अपने में है, परद्रव्य में नहीं है, ज्ञान भी अपने में है, परद्रव्य में नहीं है, वीर गुण भी अपने में है, परद्रव्य में नहीं है, और अनंत शक्तियां अपने में है, परद्रव्य में अनंत शक्तियां भी नहीं है। आप कोई सी शक्ति उठा के देखें, आप जिस चीज को चाहते हैं वो सारी चीजें भाई आप में विद्यमान है, उनको परद्रव्य कराता नहीं, परद्रव्य करा सकता नहीं। कोई सी भी शक्ति उठा के देख लें आप,
पता पड़ता है कौन सी शक्ति है। और यदि आपको अपनी शक्तियों का भरोसा हो, अपनी शक्तियों की जानकारी हो, तो फिर आप परद्रव्य में डिपेंड नहीं रहोगे। अभी परद्रव्य में डिपेंड किस लिए हो, क्योंकि आप उन शक्तियों का जनक, उन शक्तियों का कारण परद्रव्यों को मानते हो। जैसे जीवत्व शक्ति है, तो जीवत्व शक्ति किसमें है, मुझमें है कि परद्रव्य में है, कि जीवत्व शक्ति मेरी शक्ति मुझमें है। तो जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूं, और मैं भी क्या मान रहा हूं कि परद्रव्य मुझको क्या बोलते हैं उसको, कि परद्रव्य मुझको जीवित रहने देते हैं, कि परद्रव्य मुझे जीवित कर सकते हैं, परद्रव्य मुझे मरण करा सकते हैं। कि जो मैं ये मानता हूं, ये मानना मेरा किस लिए है, कि मैंने जीवित शक्ति को परद्रव्य मान लिया, कि जीवित शक्ति के कारण जिया जाता है, कि जो भी जी रहा है जीवित शक्ति के कारण जी रहा है। अब तुम ये कह रहे हो कि परद्रव्य तुमको जीवित रखता है, तो वास्तव में तुमने जीवत्व शक्ति अपने में ना मान के परद्रव्य में मानी। और जब परद्रव्य जीव शक्ति मानी और परद्रव्य जीव शक्ति है नहीं, तो परद्रव्य के कारण तुम कैसे रह पाओगे, कि परद्रव्य तुमसे जीव शक्ति ले नहीं सकता तुम्हारी, और परद्रव्य तुमको जीव शक्ति दे नहीं सकता। वो तुम में है, खुद में, परद्रव्य में नहीं है। तो तुम अपनी शक्ति से अपने आप जी रहे हो, और तुमने माना क्या कि परद्रव्य कह रहे हैं, इसलिए अपने में सर्वस्व अपना परद्रव्य में लेस मात्र भी नहीं है, कि जितना सब कुछ है वो मेरे में है पर में नहीं है। जीवत शक्ति है, चितनी शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, कि यदि चेतनपना भी है तो वो मुझ में मेरे कारण है। परद्रव्यों के कारण चेतनपना नहीं है मुझ में, वो चेतनपना भी है तो मेरे कारण है। ज्ञान भी है मुझ में तो मेरे कारण है, कि ऐसा नहीं है ये मुझे ज्ञान करा रहे हैं। यदि गे नहीं होते तो मुझे ज्ञान कैसे होता, क्योंकि गेहों से ज्ञान होता है, कि गेहों से ज्ञान नहीं होता भाई, ज्ञान में गे झलकने में आते हैं। गेहों से ज्ञान होता तो गे तो पूरे लोक में है, तो फिर पुद्गलों को भी ज्ञान होना चाहिए, धर्म अधर्म आकाश काल दर्पण को भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गेहों से ज्ञान होता है यदि, तो गे तो हर जगह विद्वान है, तो ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए। आज एक गे के लिए दूसरा गे है, तो उस गे को भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गेहों से ज्ञान हो तो। देखो जैन धर्म इतना स्पष्ट धर्म है कि आप एक कहें उसकी परीक्षा करके, अपनी तार्किक बुद्धि से उस परीक्षा करके उसको भली भांति प्रैक्टिकली देख सकते हो कि हाँ ये ऐसा ही है। कि जिन धर्म में कहा कि गेहों से ज्ञान नहीं होता है, तो आप विचार करो कि गेहों से ज्ञान होता है कि नहीं होता है। आप विचार करोगे तो आप पाओगे कि जिन धर्म कितना उत्कृष्ट है। आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने हमको क्या दिया है, अभी हमको उसकी महिमा ही नहीं है कि केवली भगवंतों ने हमको क्या बताया है, कि उन्होंने हमको हमारी अनंत शक्तियां बताई है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है वास्तव में। इसलिए वास्तव में विचार तो करें कि कंडीशन क्या है। इसलिए भाई ये चीजें विचार करने योग्य हैं कि वास्तव में हम परद्रव्यों में जो ढूंढ रहे हैं वो परद्रव्यों में नहीं है। हम ज्ञान भी कहां ढूंढ रहे हैं, परद्रव्यों में, कि शास्त्रों से ज्ञान होता है, कि ज्ञान शास्त्रों से नहीं होता, उसी ज्ञान में वो शास्त्र झलकते हैं। कि वास्तव में जो ज्ञान है वो तो खुद में है, खुद के अंदर है, वो कहीं बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, वो निमित्त भूत है, निमित्त कह सकते हो आप, क्योंकि शास्त्रों से ज्ञान हो रहा है तो शास्त्र निमित्त तो है, लेकिन शास्त्रों से ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। यदि देखो अब आप ऐसा कहें कि हम ऐसा कैसे कहें भाई कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो शास्त्रों से हो रहा है, जिनेंद्र देव की वाणी से हो रहा है ज्ञान तो। कि भाई वास्तव में ज्ञान शास्त्रों से नहीं होता, यदि शास्त्रों से ज्ञान होता तो इतने सारे शास्त्र इतनी लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, हर जगह रखे हुए हैं, कि यदि शास्त्रों से ज्ञान होता तो इतने सारे शास्त्र हर जगह रखे हुए हैं, लाइब्रेरियां भरी हुई हैं, है ना, इतने बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि शास्त्रों को देखते भी हैं बस पढ़ते नहीं है। तो शास्त्रों से ज्ञान होता तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए,
कि जिसे वो जिस लाइब्रेरी में रखे उस लाइब्रेरी को ज्ञान होना चाहिए, जिस डेस्क में वो रखे उस डेस्क को अलमारी को ज्ञान होना चाहिए। तो शास्त्रों से यदि ज्ञान होता तो उनको भी ज्ञान होता, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में ज्ञान तो किससे हो रहा है, खुद से ही हो रहा है। जब ज्ञान हो उस समय निमित्त आप किसी को कहो, वो आपके ऊपर है कि क्या निमित्त बना है, कि निमित्त की व्यवस्था अलग है। लेकिन आप ऐसा ही मान लो कि निमित्तों से कार्य हो रहा है, तो भाई कार्य तो निमित्तों से नहीं हो रहा है, कार्य तो उपादान से हो रहा है, वो उपादान परद्रव्य में नहीं तुम में है। इसलिए सर्वस्व अपने में है, परद्रव्यों में लेश मात्र भी नहीं है। यदि लेश मात्र भी होता, एक अणु मात्र भी परद्रव्य में कुछ होता, तो भी हम मान लेते कि आप परद्रव्य की चाह कह रहे हो तो सही कह रहे हो। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि लेश मात्र भी नहीं है, एक अणु मात्र भी परद्रव्य में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कि परद्रव्य में तुम्हारा इतना सा भी नहीं है कि एक अणु मात्र, एक कण मात्र भी हो, एक अणु मात्र भी हो, सब कुछ तुम में है। चाहे कुछ भी देख लें आप, सब कुछ तुम में है, सब कुछ। अब देखो यदि हम जैसे कहें कि सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ कैसे हुए, तो कोई कहे कि तीनों लोगों के गेय जानने में आ रहे थे सर्वज्ञ हो गए, कि भाई तीनों लोगों के गेयों से सर्वज्ञ हुए क्या वो, कि नहीं तीनों लोगों के गेयों ने उनको सर्वज्ञ नहीं किया, वो तो उनमें स्वयं में शक्ति थी सर्वज्ञ शक्ति, कि वो युगपत सबको जान सकते हैं एक साथ, ऐसी शक्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान है। वो शक्ति उन्होंने निज के आश्रय से निज में लीन होने से प्रकट की। उस शक्ति के प्रकट होने पर तीनों लोगों के गेय युगपत जानने में आए, तीनों लोगों के गेयों ने सर्वज्ञ नहीं कर दिया, कि तीनों लोगों के गेयों ने सर्वज्ञ कर दिया हो। इसलिए विचार करें कि परद्रव्य क्या कर सकते हैं, प्रत्येक चीजें विचार करें। कि देखो सर्वज्ञ शक्ति से सर्वज्ञ शक्ति प्रकट हुई तो सर्वज्ञ हो गए, और उस समय तीनों लोगों के सभी गे एक साथ युगपत जानने में आ रहे हैं, वो भी जीव की शक्ति है, सत्तत्व शक्ति है, कि दर्पण बस सब कुछ झलकता है। जैसे दर्पण के सामने जो आए वो दर्पण में झलकता है, वैसे ही यहाँ पर भी दर्पण बस सब कुछ झलकता है, ऐसी शक्ति भी जीव में विद्यमान है। परद्रव्यों के कारण नहीं है कि परद्रव्यों के कारण हो गए हो, कि परद्रव्यों के कारण नहीं हो सकता। यदि परद्रव्यों से ज्ञान हो रहा होता, परद्रव्यों से सर्वज्ञ बनाया होता, तो ये तीनों लोगों के सभी गे तो सभी जीवों के लिए विद्यमान है। मेरे लिए तीनों लोगों के सभी गे है कि नहीं, अभी भी है। यदि ये गे ही सर्वज्ञ बना देते तो हमको भी सर्वज्ञ बना हो जाना चाहिए था, लेकिन भाई सर्वज्ञ बना ये गे नहीं देते। सर्वज्ञपना होने पर सत्सत्व शक्ति के कारण ये गे उस ज्ञान में झलकते हैं, ये भी उस जीव की शक्ति है, ये भी परद्रव्य की शक्ति नहीं है। वो बात अलग है, परद्रव्य में प्रेम गुण है उसके कारण वो झलक रहे, वो उनकी शक्ति है कि वो झलक रहे हैं, लेकिन मेरे में झलक रहा है वो मेरी शक्ति है। इसलिए अपने में सर्वस्व अपना, परद्रव्यों में लेश नहीं, कि परद्रव्य लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी हो विमूल पर मैं ही क्षण क्षण करो व्यर्थ संक्लेश नहीं, कि तुम विमूल होकर मूर्ख होकर क्षण क्षण में व्यर्थ में संक्लेश नहीं करो, कि हम प्रत्येक क्षण संक्लेश करने में लगे हुए हैं। कुछ भी कार्य हो गया, अरे हम ऐसा कर सकते थे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमको ऐसा करना चाहिए था। प्रत्येक क्षण क्षण संकलेश करने में लगे हुए हैं, अपने परिणामों को कलुषित करने में लगे हुए हैं। इस समय के लिए भी हमने संत भाव को धारण नहीं किया, प्रत्येक समय से भी कलुषित परिणाम हो रहे हैं। प्रत्येक समय ऐसा एक समय नहीं है कि जिसमें हम अपने परिणामों को संकलेश रूप नहीं करते, प्रत्येक समय संकलेश करने में लगे हुए हैं, प्रत्येक घटना से संकलेश करने में लगे हुए हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की न्यूज सुन सुन के संकलेश परिणाम कर रहे हैं, इतने
गए, इतने मरीज हो गए, इतना ये हो गया कि उसमें भी हम हो रहे हैं कि प्रत्येक समय संकलेश कर रहे हैं। वो विमूर पर मैं ही क्षण क्षण करो व्यर्थ संकलेश नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप व्यर्थ में संकलेश नहीं करो, मूर्ख मत बनो। ये जीव कितना चतुर है कि लौकिक में तो मूर्ख बनना नहीं चाहता और धर्म तो इसको कोई टेंशन नहीं है, तो इसको धर्म में मूर्ख बनने की टेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि इसने धर्म को ना समझा है, ना इसकी धर्म में रुचि है और ना ये धर्म को जानता है, और लौकिक में चतुर रहना चाहता है, दूसरों को दोष लगाता है, दूसरों के दोष देखता है, अपने दोष नहीं देखता। पेंटोटा मैंने कहा ना कि सैम तो मेहनत रहना चाहता है, कि सैम तो मेहनत रहना चाहता है ये, और पर दोष देखता रहता है और अपने परिणामों को संकलेश रूप करता रहता है। किसी ने ये कार्य कर दिया तो क्यों कर दिया, कि उसने ये कार्य है, उसको कार्य ऐसे करना चाहिए था, मैंने उससे बोला था ऐसा करो, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला था आज ये कार्य होना चाहिए, आज ये कार्य नहीं हुआ। अरे भाई तुम पति से विचार तो करो कि यदि मैंने ऐसा बोला, उससे उसने ऐसा कार्य नहीं किया, मीन्स ऐसे कार्य होने की होना नहीं थी, ऐसे कार्य होने की भवितव्यता नहीं थी, इसलिए कार्य नहीं हुआ। कार्य उसके करने से होता है क्या कि उसने नहीं किया, कि उसके करने से कार्य नहीं होता, कि जो हम ये मान के बैठे हैं कि हमारे करने से किसी और से करने से कार्य हो जाए, तो कार्य तुम्हारे करने से नहीं होता, वो कार्य तो होनहार हो तभी होता है। इसलिए विचार तो करो कि हम कर क्या रहे हैं, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण कर क्या रहे हैं हम, अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय के प्रत्येक क्षण को कहां व्यर्थ कर रहे हैं। करो व्यर्थ संकलेश नहीं, कि व्यर्थ में संकलेश नहीं करो, ये संकलेश परिणाम दुख के कारण है, दुख के बीज है। जितने ज्यादा संकलेश परिणाम करोगे उतना ज्यादा सुख होगा, कि तुम्हारे संकलेश परिणामों को करने से भी वो कार्य होने वाला नहीं है, जब तक तो उसकी होना नहीं आएगी, उसकी भवितव्यता नहीं आएगी, तब तक वो कार्य तुम कितने भी अपने परिणाम कलोचित कर लो, कितने भी अपने परिणामों को संकलेश रूप कर लो, लेकिन वो परिणाम नहीं होने वाला, वो कार्य नहीं होने वाला, वो कार्य तभी होगा जब भवितव्यता आएगी। इसलिए व्यर्थ में हम संकलेश परिणाम क्यों करें। देखो संकलेश परिणाम करने से यदि कार्य की सिद्धि हो रही हो तो संकलेश परिणाम करना ठीक है भाई, कि हमने ऐसे परिणाम करे, हमने उसको डांट दिया तो उसने ऐसा कार्य कर दिया, हम उसको नहीं डांटते तो ऐसा कार्य नहीं करता। कि भाई यदि तुम्हारे डांटने से उसने कार्य किया होता तो इतने जीव इतने लोगों को डांटते हैं, सभी कार्य क्यों नहीं कर लेते अपना अपना। कि वास्तव में कार्य डांटने से नहीं होता, वो कार्य तो भवितव्यता अनुसार ही होता है। जैसे पंडित टोटा मांझी ने लिखा कि ये क्रोध कसा जब उसको उत्पन्न होती है तो दूसरों का बुरा करना चाहता है, तो दूसरों का बुरा करने की चाह रखे, लेकिन दूसरों का बुरा होना तो भवितव्य आदीन है। ये मान कसा जागृत करके अपना अहंकार पना करके अपने कार्य की पुष्टि करना चाहता है तो ये अपने कसाय बढ़ाए, लेकिन कार्य की पुष्टि तो भवितव्य आदीन है। ये मायाचारी करके छल करके इष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहता है लोभ कसाय से, तो ये इष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहे मायाचारी करे तो भी कार्य की सिद्धि तो भवितव्य आदीन है। कार्य की सिद्धि इसके कसाय के आदीन नहीं है, इसके कसाय करने से कार्य की सिद्धि होगी नहीं, वो कार्य की सिद्धि तो भवितव्य आदीन है, भवितव्य अनुसार ही होगी। तुम्हारे करने से कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, ना आज होने वाली है, ना कल होने वाली है, ना तीन काल में होने वाली है, वो कार्य की सिद्धि होगी तो भवितव्य आधीन ही होगी, भवितव्य अनुसार ही होगी। इसलिए विमूढ़ होकर पर में क्षण क्षण में ही व्यर्थ रूप से संकलेश नहीं करो, ये संकलेश परिणाम करने योग्य नहीं है। अरे विकल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। अकिंचित का अर्थ क्या है कि अकिंचित कर, कि किंचित माने तो क्या है कि थोड़ा अणु मात्र भी, थोड़ा सा, और कर माने करना और आ माने नहीं, कि किंचित मात्र भी करने वाले नहीं है कौन, विकल्प, कि विकल्पों से कार्य नहीं होता।
अच्छा बताओ, विकल्प अनुसार कार्य होता है कि कार्य अनुसार विकल्प होता है? इसको आप विचार करना, इस चीज को मैं कर लेंगे। अरे विकल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, कि वास्तव में वो विकल्प कुछ करने वाले नहीं है, विकल्पों से कार्य नहीं होता है, कि तुम कितने भी संकलित परिणाम कर लो लेकिन संकलित परिणामों के कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली, वो कार्य की सिद्धि तो भवितव्य अनुसार ही होगी। इसलिए तुम जो हो वो रहो, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, कि तुम ज्ञाता हो इसलिए ज्ञाता ही रहो। भाई जो तुम हो तुम वो रहो, तुम दूसरे बनने की कोशिश मत करो, कि तुम मनुष्य हो तो मनुष्य रहो, पशु बनने की कोशिश मत करो, कि पशु जैसे आचरण नहीं करो, ये कसाय करना, कुछ भी कभी भी खाना कभी भी पीना, कुछ भी खा लेना कुछ भी पी लेना, ना समय का पता ना खाने का पता कि क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए पता ही नहीं है, तो तुम मनुष्य हो कि पशु हो? तुम मनुष्य हो तो मनुष्य ही रहो, पशु मत बनो। वैसे ही तुम ज्ञाता हो तो ज्ञाता ही रहो, कर्ता मत बनो, कि तुम ज्ञाता हो ज्ञाता रहोगे तो अच्छे रहोगे, कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य जैसा विवेकवान होकर कार्य करोगे, कि हमको कब क्या खाना कैसे खाना क्यों खाना इन चीजों का विवेक करके खाओगे पियोगे तो तुम मनुष्य कहलाओगे। और कभी भी कुछ भी खाओगे, ना खाने का पता ना खाने की विधि का पता ना खाने के समय का पता, तो भाई तुम मनुष्य हो तो मनुष्य रहो, पशु क्यों बनना चाहते हो? ऐसे तुम ज्ञाता हो तो ज्ञाता रहो, तुम कर्ता क्यों बनना चाहते हो? कि तुम कर्ता हो नहीं तो कर्ता बनना क्यों चाहते हो? तुम मनुष्य होकर पशु जैसा बनना चाह रहे हो तो तुम पशु ही हो जाओगे। वैसे तुम ज्ञाता होते हुए भी कर्ता होना चाह रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, क्योंकि कर्ता बुद्धि तो दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। इसलिए तुम ज्ञाता हो तो ज्ञाता ही रहो, कर्ता बनने का प्रयास मत करो। इस पर आप विचार करना कर, इसे विचार करना कर। मैं आपसे पूछूंगा कि विकल्पों के अनुसार कार्य होता है या कार्य अनुसार विकल्प होते हैं, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, आपसे विचार करना। बाकी आप इच्छा इनका चिंतन करते हुए वास्तव में विचार करें कि हम कहां क्या भूल कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, हम अपनी भूल को कैसे सुधार सकते हैं, अपने परिणामों को कैसे समता रूप रख सकते हैं। और इस प्रकार विचार का चिंतन का तथ्य विचार करते हुए अपने परिणामों को समतामयी रखें। इस प्रकार बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति।